नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी कुकिंग विद अनुभा में। और मैं हूं आपकी दोस्त अनुभा कपिल और लेकर आई हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी जो बच्चों को तो डेफिनेटली पसंद आने वाली है, बड़ों को भी पसंद आने वाली है। और ये रेसिपी है पिज्ज़ा की। और फ्रेंड्स, ये 10 से 15 मिनट में बनने वाला पिज्ज़ा है। इसके लिए ना तो हमें कोई बेकिंग पाउडर चाहिए, ना कोई बेकिंग सोडा चाहिए, ना कोई पिज़्ज़ा बेस चाहिए, ना ही मैदा चाहिए। बहुत ही आसान से इंग्रेडिएंट्स हैं, किचन में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हैं। और इतनी आसान रेसिपी है ना कि बच्चे भी इसको बड़े आराम से बना सकेंगे, बच्चे भी खुश और बड़े भी खुश। रेसिपी पसंद आए तो आपको एक लाइक ज़रूर देना है और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं रेसिपी की ओर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स, और ये इस तरह से मैंने लिए हैं। ये लिए हैं मैंने सूजी, जो नॉर्मल सूजी हुए हैं, इसको मैंने लिया है एक कटोरी। आप अपने हिसाब से किसी भी कटोरी से नाप सकते हैं। तो एक कटोरी होगी हमारी नॉर्मल सी सूजी, 2 चम्मच है बेसन, 2 चम्मच ही है दही, और ये नॉर्मल सी दही है। और जितना हमने सूजी लिया है उतना ही पानी, यानी कि एक कटोरी लिया है हमने नॉर्मल पानी। नमक लेंगे हम स्वाद के अनुसार। तो चलिए बनाते हैं झटपट सी रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं सूजी और बेसन को छान लूँगी। ओके, तो अब इसमें डालेंगे दही, और ये दही खट्टे वाली दही नहीं, फ्रेश दही है। और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक, नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें। ओके, और ये पानी, और इसको मिला लेंगे और एक स्मूथ सा बैटर इसका तैयार कर लेंगे। लम्प फ्री बैटर होना चाहिए ये, तो ये बैटर हम तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, बैटर तैयार हो गया है। कंसिस्टेंसी आप इसकी देख सकते हैं, और ये बिल्कुल लम्प फ्री बैटर है। और अब हम इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए ढककर। आप सभी जानते हैं सूजी को फूलने फूलने के लिए 10 मिनट तो लगभग चाहिए ही। इसको हम रख देंगे 10 मिनट को, मिलते हैं 10 मिनट बाद। चलिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे बैटर ने रेस्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, देखेंगे, काफ़ी थिक हो चुका है आप देखेंगे। अब हम डालेंगे इसमें इनो। इनो हमें इंस्टेंटली डालना है, अभी डालना है। और इनो के साथ साथ हमें डालेंगे बस 1 चम्मच पानी, 1 चम्मच भी नहीं बल्कि 1/2 चम्मच पानी। ओके, इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। तो लीजिए, हो गया अच्छे से मिक्स। और फ्रेंड्स, अब ले आई हूँ मैं इसे गैस स्टोव के पास। मैंने रख दिया गैस स्टोव पे एक नॉन स्टिक पैन, और इसमें इसको कर देंगे हम ट्रांसफ़र। बस अपने आप ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये अपने आप ही इसमें फैल जाएगा, हमें स्पैचुला की जरूरत नहीं पड़ेगी फैलाने के लिए। तो इसे सारे बैटर को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है और गैस ऑफ कर दिया है लो टू मीडियम, और इसको हम लगभग 3 से 4 मिनट के लिए ढककर बनने देते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारा वो पक रहा है तब तक मैंने कुछ सब्जियाँ कट करके रख ली है। मैंने अपनी पसंद की सब्जी कट कर ली, आप अपनी पसंद से कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने काटे थोड़े से शिमला मिर्च, थोड़ी सी गाजर, थोड़ा सा पनीर, ये है मोजरेला चीज़, ये थोड़ा सा ये मोजरेला चीज़, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, और ये थोड़ा सा पनीर भी कद्दूकस कर लिया है। ठीक है, तो चलिए बनने वाला है वो हमारा पिज्ज़ा। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा पिज्ज़ा पीस जो है बनकर तैयार है, पक गया है। इसको अब हम कर लेते हैं फ्लिप आराम से, ध्यान से। और देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी डार्क बना है, आप चाहें तो काफ़ी लाइट कलर का भी बना सकते हैं इसको। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको फ्लिप कर दिया मैंने, और अब मैंने ले लिए है ये पिज़्ज़ा सॉस, इसको भी हम इस पर स्प्रेड कर देते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, इसकी एक थिन सी लेयर हमने इस पर लगा दी है सॉस की। आप चाहें तो इसमें टोमेटो सॉस भी लगा सकते हैं। और अब इस पर स्प्रेड करेंगे अपनी ये वेजीज जो है हमारे पास। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने वेजीज फैला लिए हैं। मैंने तो 3 तरह के वेजिटेबल्स इसमें लिए हैं, आप चाहें तो टमाटर, प्याज, लहसुन, जो भी डालना चाहें आप वो डाल सकते हैं। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये ग्रेटेड पनीर, नॉर्मल पनीर जो कॉटेज चीज़ होता है वो। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमने पनीर डाल लिया, और अब इसके ऊपर हम डाल रहे हैं मोजरेला चीज़। ये आप अपनी क्वांटिटी, अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं इसको भी अच्छे से स्प्रेड कर देती हूँ। ओके, और अब सबसे लास्ट में चिली फ्लेक्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ओके, और अब इसको कर देंगे कवर एक लीड से, और लगभग 3 मिनट के लिए इसको फिर से बनने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाया है, और लगभग 3 से 4 मिनट हो गए, और ये मुझे लग रहा है बिल्कुल बन गया है। इसकी पहचान ये देख सकते हैं, मोजरेला चीज़ भी काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, और खुशबू भी एकदम अच्छे से आने लगी है। अब गैस स्टोव कर देती हूँ ऑफ, और इसको निकाल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक प्लेट में, और देख सकते हैं कितना बढ़िया पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है हमारा ये। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको कट भी करके देख लेते हैं। तो जी फ्रेंड्स, हमने कट कर लिया है, और आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। कितनी जल्दी बना है, कितनी आसान विधि से बना है, आपने खुद ही देखा ये। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि आपको रेसिपी पसंद आती है, ट्राई करते हैं, तो फीडबैक मुझे दीजिएगा। जल्दी मिलती है एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मई।